इन्हें बंदे रंगिया की मारिया मोया पर ज्ञान आया तो क्या किया भोपाल जाना था खेलने के लिए, खुद ये एक दिन पहले खरीद के आया है। ये ऐसे कैसे कर सकता है कोई? टाइकमांडो खेलता गेम इधर सर ट्रायल ही थे ब्राह्मण सभा की। ब्राह्मण सभा गया 11 बजे, घरों रोटी छुट्टी खाई गया ते उदे बाद 1:30 बजे सर गया था कि सर मैंने लंच करने जाना है, तो मैं लंच करने जा रहा हूँ। उधर एक ना लड़का आता है, बागवर, बागवर नाम है उसका। वो बोलता है कि मेरे को ना तू छोड़ने चल, कहीं पे जाना होगा कहीं, तो उसको कॉल आती है इसकी। तो ये बोलता है मेरे अभी ट्रायल चल रहे हैं, मैं नहीं अभी जा सकता, बाद में जाऊंगा। नहीं बोलता मेरे को छोड़ गया। उसको छोड़ने के बाद मतलब कि 1:30 बजे ये 2 बजे इसका स्विच ऑफ हो गया। इसकी लास्ट लोकेशन जो है ये इधर आई है रेशमगढ़ कॉलोनी के पास। उसके बाद इसका स्विच भी ऑफ हो गया, ना स्कूटी मिली 3 दिन से, ना ये मिला। तो आज मतलब कि जब मिलता है तो ये मतलब डेड हो गया है। तो ये इसके पापा की पहले साल एक पहले उनकी डेथ हुई, अभी साल भी नहीं हुआ। उन्हीं की जगह इसी को मतलब कि किया हुआ था, वो भी पुलिस में थे, कॉन्स्टेबल है। उसी की जगह पे जॉब लगने वाली थी इसकी, ज्वाइनिंग पढ़ने वाली थी कोई 10-15 दिन के बाद। तो वही सहारा था हमारा जीने का, तो वो भी नहीं रहा। पता नहीं किसने इसको वहाँ से बुलाया और कौन ले गया इसको। ऐसे ये कभी बाहर नहीं रहता। मैम आपने कोई रिपोर्ट करवाया? हाँ रिपोर्ट करवाई है, सरवाल चौकी में करवाई है। जिस लड़के के साथ गया था उससे पहले आपने पूछताछ की? हाँ उससे पूछा, वो बोलता मेरे को ना इधर छोड़ के गया ये क्या नाम है इधर महाजन सभा के पास। उसके बाद मुझे मेरे को नहीं पता ये कहाँ गया कहाँ नहीं गया। तो ये आता भी नहीं है, जब कहीं जाता भी है ना तो अभी कॉल करता है, मम्मा मैं इस जगह पे हूँ, आप टेंशन नहीं लो मैं पहुँच जाऊँगा घर में। लेकिन आज 3 दिन से इसका ना कोई कॉल आया ना कुछ। आज हमें दिखता तो ये खत्म हो गया। हम तो 3 दिन से यही बैठे हैं ना कि कहीं चलो कहीं दोस्त के पास गया, कभी गया ही नहीं। ये नेशनल एंड इंटरनेशनल खेले हुए हैं इसने, ये भी बाहर भी जाने वाला था सर के साथ, इसने भोपाल जाना था खेलने के लिए 24 को। कोई फ्रेंड सर्कल में कोई लड़ाई झगड़ा घर में कोई लड़ाई? कोई लड़ाई नहीं, कुछ। आखिर में क्या मांग करते? आखिर में ये है कि पुलिस वालों ने उनको उठाना चाहिए जो लड़के जिसके साथ ये गया था, और हमें इंसाफ चाहिए क्योंकि मेरी बेटी और मैं हम किसके सहारे जिएंगे? वही तो सहारा था हमारा जीने का, किसके सहारे रहना हमने? देखो माँ बाप बच्चा पैदा करते हैं, बड़ा करते हैं, किसके लिए? कि सुख के लिए, हमारा जीवन में आगे सहारा बनेगा। अभी पापा का दुख भी नहीं गया तो ये पहले ऐसे हो गया हमारे साथ। हमें यही चाहिए कि हमारा बेटा जिसने भी ये लेके गया है कोई इधर से, उनको उठाना चाहिए और उनको उनको भी अंदर पूरी उम्र अंदर रहने चाहिए, वो भी बाहर नहीं निकलने चाहिए जेल से।